मतलब कैसी लगी भाई मूवी? अच्छा लगा भैया। कैसी लगी भाई मूवी? अच्छा लगा। अच्छा मजा आया? मजा आ गया। क्या किसका सबसे ज्यादा फेवरेट कौन था, माधुरी दीक्षित, कार्तिक आर्यन या विद्या बालन? सब कोई। कैसी लगी भाई मूवी देखी? एकदम टपाटप भाई। कैसी? एकदम टपाटप भाई। मूवी देखी भूलभुलैया? मूवी बहुत ही अच्छी थी, बहुत कॉमेडी हॉरर सब एकदम मिक्स था और बहुत मज़ा आया। माधुरी दीक्षित मैम ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है और एक अच्छा नरेटिव था, अच्छी स्टोरी थी, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया मूवी देख के। इतना हाइप क्रिएट किया था उतना बहुत है, बहुत कॉमेडी है, बहुत मज़ा आएगा आपको थिएटर में बैठ के। क्या लगता है सिंघम अगेन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को क्रॉस? दोनों बहुत ही क्लैश होने वाला है और आई थिंक भूलभुलैया 3 इज अ हिट। ओके, और भूलभुलैया में कौन सी एक चीज़ थी जो शायद आपको लगे कि ये थोड़ा बेटर हो सकता है, थोड़ा अच्छा? मतलब थोड़ा एंडिंग अच्छा करना चाहिए था, मतलब आफ्टर एंडिंग भी कुछ दिखाना चाहिए था केमिस्ट्री, बट ठीक है, इट्स ऑल। कैसी लगी मुझे? बहुत अच्छी लगी और मेरा कार्तिक आर्यन मेरा फेवरेट हीरो है तो इसके लिए मुझे उनकी मूवी तो देखनी थी और मैंने शायद फर्स्ट सेकंड तो देखी नहीं थी, थर्ड देखी तो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी। माधुरी और विद्या बालन का क्या? उन दोनों का तो ऐसा स्टार्टिंग में लगा कि दोनों ही मौंजलिका मतलब ये है, लेकिन बाद में पता चला कि मौंजलिका है ही नहीं उसमें, मौंजलिका जो उनका भाई था वो है, जो मतलब भूत था वो है, तो लेकिन बस दोनों ही बहुत अच्छे थे। ओके, और क्या लगता है इतनी बड़ी सिंघम अगेन के सामने इसका क्लैश हुआ है, तो क्या लगता है बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स कौन ज़्यादा तोड़ेगा? मैं तो चाहूँगी कि भूलभुलैया ही तोड़े, बहुत अच्छा, क्योंकि कार्तिक आर्यन फेवरेट है, इसके लिए भूलभुलैया को मैं पूरा सपोर्ट करूँगी। और मैंने सिंघम तो देखी नहीं है, अभी जब देखूँगी तो बता सकती हूँ कि भाई उसको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए।